राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला किया है। आपको पूरी खबर बताते हैं, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी चाहते तो खुद को आगे रखने के बजाय दलित समुदाय से प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन दलितों और आदिवासियों से करवा कर छुआ छूत के खिलाफ संदेश देने का मौका था। प्राण प्रतिष्ठा करवाते ये दलितों से भी, आदिवासियों से भी, ओबीसी से भी, सभी धर्मों के लोगों से और शंकराचार्यों को आगे रखते है। राष्ट्रपति जी आती वहां पर मुर्मू जी, तो मैं समझता हूँ मोदी जी का और बढ़ जाता। पर आप बताइए, ये इतना बड़ा अवसर था, वो चुका रहे हो आप लोग। आप जाके प्राण प्रतिष्ठा करो अकेले, क्या हो रहा देश के अंदर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि ये दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और सभी धर्मों के लोगों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराकर और शंकराचार्य के सामने लगकर छुआ छूत के खिलाफ एक संदेश देने का अवसर था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति वहां जाएगी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दलित समुदाय से है, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाना जाना चाहिए था। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान थाली बजाने का आह्वान किया था, उसी तरह उन्हें ये भी आह्वान करना चाहिए था कि 22 जनवरी के बाद देश में कोई छुआछूत नहीं होगी। यही नहीं, गहलोत ने पीएम मोदी पर और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि छुआछूत मानवता पर कलंक है, मैं उस कलंक को धो दूंगा। ऐसा करने से प्रधानमंत्री की आभा और सम्मान बढ़ेगा, चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गहलोत ने राजस्थान मंत्रियों को विभागों के वितरण में हो रही देरी को लेकर भी बीजेपी हाईकमान पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें चीज समझने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते रहेंगे तो प्रदेश की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब देखना होता है कि जो भजन लाल शर्मा पर अशोक गहलोत ऐसे निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं, इसका जो रिएक्शन है वो बीजेपी के नेता किस प्रकार देते हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।